दोस्तों हम अभी आ गए हैं परमट में आनंदेश्वर मंदिर, और इसके भी हकदार हमारे दीपू भाई जी हैं। आज इन्होंने मतलब महादेव जी ने कृपा है कि दीपू भाई जी की कृपा माने कि आज सब बाबा जी की कृपा की वजह से पहुंच रहे हैं हर जगह। ये कमलेश्वर महादेव मंदिर है और हम अभी जा रहे हैं आनंदेश्वर मंदिर। अभी हमने आपको काल भैरव मंदिर दिखाया, परमट मंदिर दिखाया, दोनों ही गंगा मैया के बिल्कुल किनारे पर हैं, और गंगा मैया जी का जो मतलब प्रभाव है यहाँ पर लोगों के ऊपर वह तो कानपुर वालों को आप जानते ही हैं फिर तो आप लोग, और इसी वजह से आज हम जो है भगवान जी जो मतलब महादेव जी हैं उनकी जो कृपा है तो आज दोनों ही मंदिर हम घूम रहे हैं। हमें नहीं पता था ये कहाँ है क्या है, बट आज हम आ गए। बस आप लोगों की कृपा बनी रहे, बस बाबा की कृपा। अब हम आपको पूरा मंदिर दिखा देते हैं एक बार मंदिर में और भी प्रभु जो भगवान देवता लोग हैं उन सबके बने हुए मंदिर और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। तो मैं पहली बार आया हूँ, राधा कृष्ण मंदिर है और खाटू श्याम मंदिर है, तो सभी को यहाँ पर दिखाया गया है बहुत ही करीने से मतलब बनाया गया, और जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। बड़ा मंदिर है यहाँ, और मुझे यहाँ आके जो सुकून मिल रहा है वो शायद ही कहीं और मिले, क्योंकि बाबा की जब मर्जी होती ना तो खुद ही बुला लेते हैं। अभी तो तिलक विलक भी सब लग गया क्या दीपू भाई? बिल्कुल इसमें कोई नहीं, तिलक लग गया। ये ढेर सारे मंदिर, और ये इतना प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मैं तो कभी मतलब जानता नहीं इतना, लेकिन जो भी कहानियां रही होंगी, लेकिन इसकी जो भव्यता है, जो मंदिर जिस तरह से बना है गंगा नदी किनारे, वह देखने लायक है। कोई भी अगर आना चाहता तो यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता तो मेरे ब्लॉग के जरिए देख सकता है। तो दोस्तों
दीपू भाई रोज यहाँ पर आते रहते थे लेकिन काम की व्यस्तता के चलते यहाँ पर नहीं आ पाए बीच में, लेकिन फिर से दोबारा से रूटीन शुरू हुआ है और आज हम भी पहली बार आए और बाबा जी ने बुलाया। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप रोज आइए, लेकिन जब बाबा आपको याद करेंगे, दिल से भी नहीं, जिस दिन बाबा का मन होगा ना उस दिन बुला लेंगे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। ये हम लोग का और कानपुर के सरकार हैं और कानपुर के सरताज हैं इस समय और हमेशा प्राचीन काल से रहे और हमेशा रहेंगे। तो जो जो भी इनका ध्यान करता है अपने आप परमात्मा से मिलता है फिर तो।